अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन इन द सिचुएशन। द रिसर्चर एनालिसिस द वर्क्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फाइंडिंग मीनिंग इन द वर्ड्स एंड प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट विल मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, अब क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते एक्सपीरियंस को या सिचुएशन को पर्सन के अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली, जो उस टाइम जो सिचुएशन में उसने वो एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स के अपने वर्ड्स होते हैं हम उनको एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव में तो सिंपल हम क्वांटिटी डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को बताते हैं, एक्सपीरियंसिस को बताते हैं जो हमें पार्टिसिपेंट्स बताते हैं। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चर्स। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स डिस्क्राइब पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस फिनोमिना। फिनोमिना आर द एक्सपीरियंसेस दैट कंप्राइज द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस। क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। फिनोमिना क्या चीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। एन एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड यूनिक टू द इंडिविजुअल टाइम एंड कंटेक्स्ट which is why qualitative researchers describe a phenomena from the perspective of the persons who are experiencing the phenomena। अब यहाँ पे बताया गया कि जो phenomena है, जो experience है, वो unique होता है individual के base पे। ठीक है, अगर एक कोई situation किसी individual के साथ हुई है तो वो specific उस individual के साथ है, time में वो specific थी। ठीक है, उस time में भी context कुछ different हो। इसी तरह इसमें बताया गया कि क्वालिटेटिव में हम फिर जो भी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं वो जो इस बंदे के साथ में एक्सपीरियंस हो चुका होता है उसके पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। तो एक की सिचुएशन दूसरे इंडिविजुअल की सिचुएशन से डिफरेंट होगी। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स सीक टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ फिनोमेना गाइडेड बाय द फॉलोइंग बिलीफ। दे आर मल्टीपल कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज बिकॉज मीनिंग इज सब्जेक्टिव क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड इंटर सब्जेक्टिव क्रिएटेड बाय ग्रुप्स। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड बाय पर्संस इन्वॉल्व इन एन इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे होलिस्टिक पिक्चर वो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स शो करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस डिफरेंट रियलिटीज होती हैं, मल्टीपल्स रियलिटीज को स्टडीज करते हैं जो सब्जेक्टिव होती है। इंडिविजुअल्स की बेस पे अगर आप देखें या ग्रुप्स की बेस पे देखें तो वो इंटर सब्जेक्टिव होती है। Human behavior such as words and actions are choices influenced by the past and present as well as by the physical, psychological and social constructs of the behavior or experiences. Time and construct influence individual and group's perspective. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि ह्यूमन बिहेवियर्स में जैसे वर्ड्स हैं और एक्शंस हैं वो इफेक्ट करते हैं, जैसे जैसे उनकी सिचुएशन होती है, पास्ट में कैसी सिचुएशन थी, प्रेजेंट में उनकी सिचुएशन कैसी थी। तो हर जब भी क्वालिटेटिव हम स्टडीज करते हैं तो इनका रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन या जिस एक्सपीरियंस के साथ जो लोग सफ़र करते हैं अगर हम उसे दूसरे किसी एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करें तो उनमें डिफरेंस आएगा।
Rigor in qualitative research. The rigor or strength of a qualitative study is the extent to which the identified meanings represent the perspectives of the participants accurately. Rigor is assessed in relation to the detail built into the design of qualitative study, carefulness of data collection, and thoroughness of analysis. Rigor means qualitative studies में क्या कहते हैं strength आ जाती है, ठीक है। qualitative study की आपकी strength कब होगी, जब आपने design उसका अच्छे से build up किया है, data collection आपने carefully किया है, उसको आपने analysis carefully किया, ठीक है। जब सारी चीजें आपने accurately की हैं, then आप कह सकते हो कि qualitative study में आपके rigor present है, strength available है। फाइव टाइप्स हैं हमारे पास कॉमन जो क्वालिटेटिव रिसर्च की है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, राइगर में अगेन बता देती हूँ, राइगर्स के हैं स्ट्रेंथ होती है क्वालिटेटिव स्टडीज की, ठीक है। जब हम उसमें डिजाइन हम एक्यूरेटली इसको यूज करते हैं या असेस करते हैं, डेटा कलेक्ट हम केयरफुली करते हैं, उसको एनालिसिस हम केयरफुली करते हैं, ठीक है। तो जब हम सारी चीजें एक्यूरेटली कर लेते हैं, तो जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स के व्यूज को, वो हम एक्यूरेटली उनके पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करते हैं, तो इससे हम कहते हैं कि हमारी स्टडी में राइगर या क्वालिटेटिव स्टडी की स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे क्वालिटी क्वांटिटेटिव में हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते थे, इसी तरह उन्होंने यहाँ पे क्वालिटेटिव में उसका अदर नेम अगर आप देख लो, तो उसमें हम राइगर या स्ट्रेंथ कह देते हैं। फर्स्ट पे जो हमारी टाइप है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, फिनोमेनोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन 20th century philosophical movement based on the work of the philosopher Edmund Husserl, ठीक है। ये एक हिस्ट्री बताई गई है। रिसर्च टूल phenomenology is based on the academic disciplines of philosophy and psychology and has become a widely accepted method for describing human experiences. phenomenology के स्टडीज में हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिनोमेनोलॉजिकल में एक चीज फिलोसफी भी आ जाएगी और साइकोलॉजी डिसिप्लिन भी आ जाएंगे। फिनोमेनोलॉजी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस अ सर्टन फिनोमिना। अगर हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड कोई क्वालिटेटिव स्टडी करें, तो उसमें हम बताएंगे इस टाइप में कि ह्यूमन कैसे, किसी इंसान ने उस सिचुएशन से कैसे एक्सपीरियंस गेन किया, या कैसे उसने उससे कोप अप किया, या कैसे उसके लिए वो सिचुएशन रही। ए फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी अटेम्प्ट्स टू सेट असाइड बायसेस एंड प्री कंसीव्ड असम्पशंस अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सेस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही चीजें बताते हैं कि ह्यूमन का एक्सपीरियंस कैसा था, फीलिंग उस टाइम सिचुएशन के अंदर कैसे थी, और क्या रिस्पॉन्स था उस स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर। के तो फिनोमेनोलॉजिकल में बेसिकली हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। देयरफॉर फिनोमेनोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना एज कॉन्शियसली एक्सपीरियंस बाय पीपल लिविंग दोज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हम डिस्क्राइब करते हैं उस फिनोमिना को, ये सिचुएशन को जो इंसान सिचुएशन से सफर कर रहे होते हैं, ये कर चुके होते हैं।
Phenomenology ka research is typically conducted through the use of in-depth interviews of small samples of participants. तो यहाँ पे हम उनसे study से related information पूछने के लिए experience से related information पूछने के लिए हम क्या करते हैं in-depth interview करते हैं ताकि हमें सारी चीजें clearly पता हो. ठीक है, इसमें हम small sample size use करते हैं. By studying the perspective of multiple participants, a researcher can begin to make generalizations regarding what it is like to experience a certain phenomena from the perspective of those that have lived the experience. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए कि जिस सिचुएशन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको हम जर्नलाइज जब करेंगे तो उसी तरह के एक्सपीरियंस के लोगों पे हम जर्नलाइज कर सकते हैं कि एक सिचुएशन के लोगों ने अगर उस टाइम उनकी फीलिंग ये थी तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई लोग सिचुएशन से गुजरते हैं तो उनकी भी फीलिंग वैसे होंगी जैसे प्रीवियसली उनकी फीलिंग थी उस एक्सपीरियंस को लेके. ठीक है, तो हम जर्नलाइज स्पेसिफिकली उसी एक्सपीरियंस के लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स क्या है फिनोमिनोलॉजी का रिसर्च की. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर सिचुएशन और फिनोमिना. ठीक है, इससे हमें अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि लोग कैसे सिचुएशन से सफर करते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस होता है स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके. इट इज कंडक्टेड प्राइमरी थ्रू इन डेप्थ कन्वर्सेशंस एंड इंटरव्यूज. हाउएवर सम स्टडीज में कलेक्ट डेटा फ्रॉम डायरीज ड्रॉइंग्स एंड और ऑब्जर्वेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं डेप्थ इंटरव्यू करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं. ठीक है, या अगर हमारे पास कोई अवेलेबल हो डायरीज हो तो हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग ड्रा करके अगर वो अपने एक्सपीरियंस भी वर्बल वो शेयर नहीं कर सकते तो वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग बना के वो हमें हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. Small sample size is often 10 or less participants are common in phenomenological studies. क्योंकि यहाँ पर हमें in-depth analysis करना होता है इसलिए यहाँ पे sample size small है, 10 है या उससे भी कम के participants involve हो सकते हैं phenomenological studies में. क्योंकि हम यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू में मोस्टली फिर हम जो प्रश्न पूछेंगे वो ओपन एंडेड होंगे ताकि वो बी हैंड और टोटली वो अपने एक्सपीरियंस से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने में. इंटरव्यू क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड टू अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू फुली डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर ओन व्यू पॉइंट. ठीक है, तो क्वालिटेटिव में हम इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू में हम ओपन हैंडेड क्वेश्चन यूज करते हैं ताकि वो फ्रीली जो भी उनके साथ हो चुका है जो एक्सपीरियंस है वो अपने वर्डिंग में जैसे भी वो बताना चाहे वो बता सके. कोई उनके लिए बाउंड्री नहीं है कि इन बाउंड्री के अंदर आके उन्होंने इस चीज का आंसर देना है. फिनोमेनोलॉजी इज सेंटर्ड ऑन द पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस विद नो रिगार्ड टू सोशल और कल्चरल नॉर्म्स ट्रेडिशंस प्रीकंसीव्ड आइडियाज अबाउट द एक्सपीरियंस. ठीक है, अब फिनोमिनोलॉजिकल में क्या है हम टोटली पेशेंट की जो एक्सपीरियंसेस है उन पर कंसर्न करते हैं. ठीक है, सोशल या कल्चर नॉर्म्स या ट्रेडिशन को हम एज अ बैरियर लेके यहाँ पे नहीं चलते. ठीक है, जैसे हम केयर प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों को इग्नोर किए बगैर इग्नोर करके. ठीक है, इसी तरह हम फिनोमिनोलॉजिकल में भी पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, उनके सोशल कल्चर या ट्रेडिशन के बेस पे हम उनको स्टडी नहीं करते. हाँ, अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स नहीं है. ठीक है, तो पार्टिसिपेंट है तो हम इंटरव्यू से मैथड के जरिए से डेटा कलेक्ट करेंगे. तो फिर अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स नहीं है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन से वो गुजरे थे तो उनका रिकॉर्ड अगर किसी ने रखा होगा तो हम वो सेकेंडरी डेटा भी यूज करें. ठीक है, लेकिन बेस्ट हमारे पास ये कि हम प्राइमरी सोर्स को ही यूटिलाइज करें.
ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताई गई है फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज की। हाउ डू पेरेंट्स ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड कोप विद द न्यूज दैट देयर चाइल्ड हैज ऑटिज्म। ठीक है, अब जिन पेरेंट्स के बच्चों को ऑटिज्म का इश्यू है, उन्होंने कैसे कोप किया जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे जब हम उसे स्टडी करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो यहाँ के स्टडी के जो रिजल्ट आएंगे, हम उसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस टाइम इस बच्चों के पेरेंट्स के साथ सिचुएशन होंगे, जिस एक्सपीरियंस से वो गुजर रहे होंगे, वो आम बद्दा उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो हम फिर जनरलाइज इसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे नहीं करेंगे। अगर सेम इसी तरह के कोई इशू किसी और पेरेंट के साथ है, देन जो एक्सपीरियंस यहाँ पे आया वो ही एक्सपीरियंस सेम होगा अगर उनके बच्चों को भी यही इश्यू है। ठीक है, व्हाट इज इट लाइक टू एक्सपीरियंस बी ट्रैप्ड इन अ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड। अगर कुछ लोग जैसे फ्लड आया था, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स में है, तो अगर आप उनका एक्सपीरियंस देखो, जो आम लोग हैं जिन्होंने कभी फ्लड को देखा ही नहीं है, तो उन दोनों के दरमियान एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब फ्लड एक जगह पे फ्लड था तो वो लोगों का एक्सपीरियंस, और किसी और जगह फ्लड है उन लोगों का एक्सपीरियंस आपस में मैच करता हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वो सेम होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी इन फिनोमिनोलॉजी की स्टडी को जनरलाइज करेंगे, तो हम उसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको जनरलाइज करेंगे, ओवरऑल पॉपुलेशन पे हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हाउ डज इट फील टू लिव विद अ लाइफ थ्रेटनिंग एनियरिज्म। ठीक है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग एनियरिज्म पे कोई स्टडी करता है, तो उस टाइम जो उनके जो सिचुएशन, जो एक्सपीरियंसेस, जो फीलिंग्स होंगी, वो कंपेयर करेगा नॉर्मल बंदे से, तो वो डिफरेंट होंगी। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको? फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव की टाइप है, जिसमें हम फिनोमिना को स्पेसिफिकली, जिस फिनोमिना को हम ये कहते हैं सिचुएशन एक्सपीरियंस, जिससे कोई भी ह्यूमन लाइफ से ड्यूरिंग जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करते हैं, इंटरव्यू से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डीपी हम उसको इनडेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सैम्पल साइज हमारे इसमें 10 होता है, इससे हम कम भी लेते हैं। समझ आ गई ना सबको फिनोमिनोलॉजी का रिसर्च, ताकि मैं नेक्स्ट फ्यूचर में ग्राउंडेड थ्योरी हम डिस्कस करें। इसमें हम प्राइमरी डेटा यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउंडेड थ्योरी।
Grounded theory is a systematic methodology in the social sciences involving the construction of theories through methodological gathering and analysis of data. Grounded theory is most accurately described as a research method in which the theory is developed from the data rather than the other way around. That makes this is an inductive approach, meaning that it moves from the specific to जनरल पॉपुलेशन. ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, थ्योरीज को डिवेलप करते हैं थ्रू डेटा. जब हमारे पास डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसकी बेस पे हम थ्योरी को डिवेलप करते हैं. ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच को यूज करते हुए वो ग्राउंडेड थ्योरीज को डिवेलप करते हैं. ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग ये कि हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, मतलब कुछ हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ऑब्जर्वेशन कर ली तो उसको हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं. तो ग्राउंडेड थ्योरी में भी हम डाटा थ्योरीज डेवलप करते हैं डाटा से. ठीक है, और इसमें हम इंडक्टिव अप्रोच को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, मैं ठीक है, नाइस. ग्राउंडेड थ्योरी के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. वंस द डेटा आर कलेक्टेड, ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स. नंबर वन पे है कोडिंग टेक्स्ट एंड थ्योराइजिंग. इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, रिसर्च फॉर द थ्योरी स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द very first interview that one course. It involves taking a small chunk of the text where line by line is being coded. ठीक है, तो नंबर वन पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम क्या करते हैं, उनको कोडिंग दे देते हैं, कोड कर देते हैं. The next steps involve a lot more theorizing as in when coding is being done. Examples are being pulled out, examples of concepts together and think about how each concept can be related to a larger, more inclusive concept. ठीक है, फिर जो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं हम क्या करते हैं, उनको आपस में कोरिलेट करके देखते हैं. फिर उनमें से हम एक फर्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट डिवेलप होता है, फिर हम वो उस पर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, नंबर वन पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उनको कोड करते हैं. फिर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर हम उनको आपस में कोरिलेट करके फिर एक अपना फाइनल कॉन्सेप्ट ड्रा करते हैं. मेमोइंग एंड थ्योराइजिंग. Memoing is the process by which the running nodes of each of the concepts that are being identified are kept. It is the intermediate step between the coding and first draft of completed analysis. ठीक है, सेकंड हमारे पास स्टेप है वो क्या है, मेमोइंग एंड थ्योराइजिंग. इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम बनाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको एक स्पेसिफिक साइट पे इसको मेंशन कर देते हैं. ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेप है कोडिंग के बाद, और कंप्लीट जब हम एनालिसिस कर लेते हैं उससे पहले का ये स्टेप है हमारे पास. थर्ड स्टेप है इंटीग्रेटेड रिफाइनिंग एंड राइटिंग अप थ्योरीज. वंस कोडिंग कैटेगरीज इमर्ज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू लिंक देम टुगेदर इन थ्योरेटिकल मॉडल्स अराउंड अ सेंट्रल कैटेगरी दैट होल्ड एवरीथिंग टुगेदर. अच्छा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए थे सारे लेक्चर. ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास आ जाते हैं हम ये करते हैं फाइनल कर लेते हैं, जो हम हमारे कंसेप्ट होते हैं उन पे अगर हम अपनी थ्योरी को डिवेलप कर लेते हैं और इसको राइट अप कर लेते हैं.
आवाज आ रही है नहीं सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री स्टेप्स आ गए ग्राउंडेड थ्योरी में। फर्स्ट हमें कोडिंग करना है टेक्स्ट को, ठीक है। नंबर टू पे हमने मेमोइंग करना है, लास्ट में हमने इसको रिफाइन करके थ्योरीज को राइट अप कर लेना है। अच्छा, वो लेक्चर्स की बात हो रही थी कि लेक्चर्स मैंने सुनम पे अपलोड नहीं किए, लेकिन मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए थे लेक्चर्स। थर्ड हमारे पास ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है, वो है एथनोग्राफिक रिसर्च। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च वाज डेवलप्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज अ मेथड टू स्टडी कल्चर्स थ्रू इमर्शन इन द कल्चर ओवर टाइम। द वर्ड एथनोग्राफिक मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ पीपल्स ओरिजिन्स पास्ट रूट्स लिविंग एंड वे ऑफ सर्वाइविंग थ्रू टाइम। दिस इज टर्म सम टाइम कॉल्ड नेचुरलिस्टिक रिसर्च। के एथनोग्राफिक में क्या है कि इंसान पहले वक्तों में कैसे रहता था, ठीक है, क्या वे ऑफ लाइफ थी उनके, कैसे वो सरवाइव करता था, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है उनकी सरवाइविंग के वेज कौन कौन से हैं, तो इसे हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च इज इन सम केसेस कंसर्न विद ब्रॉडली डिफाइंड कल्चर्स। In what is sometimes referred to as macroethnography, however, ethnography sometimes focuses on more narrowly defined cultures, microethnography. ठीक है, तो ये टाइप्स बता दी गई हैं कि जब हम ज्यादा कल्चर को
ब्रॉडली कल्चर करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक आ गया, ठीक है। सो बेसिकली हम कल्चर को डिस्कस करते हैं, और अगर हम किसी स्पेसिफिकली कल्चर को डिस्कस करें तो वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक में आ जाता है, ठीक है। मैक्रो मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब इसमें एक अप्रोच होती है एपिक अप्रोच और एक होती है एथिक अप्रोच। This reflects the epic approach, one of the spreading behaviors from within the culture that recognize the uniqueness of the individual. ठीक है, within culture में, culture के अंदर रहते हुए हम culture को study करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या uniqueness है individuals में, कैसे उनका behavior, जिसे हम epic approach कहते हैं। Ethic approach क्या है, involves studying behavior from outside the culture and examining similarities and differences across culture. ठीक है, अगर आप किसी दूसरे के culture को जाके डिस्कस करते हो तो ये क्या आउटसाइड ऑफ द कल्चर जाके आप स्टडी करते हो, ठीक है। फिर आप देखते हो कि आपके कल्चर में और उनके कल्चर में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितने डिफरेंसेस है क्रॉस कल्चर आप देखते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास चलती है एथिक अप्रोच। एमिक मीन्स विद इन कल्चर में हम स्टडी करते हैं, एथिक मीन्स आउटसाइड कल्चर की स्टडी करके हम उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हैं। Nurses, however, may not observe a culture over months or years, but may observe an organizational culture for a shorter time to learn about the culture of a hospital or health culture organization. This type of study is called a focused ethnography. ठीक है, जब हम hospitals में के cultures को देखते हैं कुछ time के लिए, इसको note करते हैं किस तरह का कल्चर हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, तो उस किस्म की स्टडी को हम फोकस्ड इथनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, बेसिकली कल्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम लार्ज कल्चर की स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो इथनोग्राफी कहते हैं, अगर हम स्मॉल कल्चर की स्टडी करें तो हम माइक्रो कहते हैं, अगर हम विद इन कल्चर में रह के उसको स्टडी करें उसकी यूनिकनेस या सिमिलैरिटीज हम देखें तो हम एपिक अप्रोच है। अगर हम आउटसाइड जाके कल्चर की स्टडी करें, ठीक है, कंपैरिजन करें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को, तो हमारे पास एथिक अप्रोच है। और हम जो हॉस्पिटल्स की कल्चर को स्टडी करें या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर को स्टडी करें तो वो हमारे पास फोकस्ड एथनोग्राफी आ गई। ठीक है, समझ आ गई सबको एथनोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोरेटिव डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब इसके नेम से आप देखो तो इसमें दो टर्म डिफाइन है कि जो चीज हम वो एक्सप्लोर भी करेंगे, डिटेल में बताएंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे। रिसर्चर्स डिजाइन क्वालिटेटिव स्टडीज सच एज दिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नीडेड टू डेवलप अ प्रोग्राम इंटरवेंशन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। Usually, researchers are exploring a new topic or describing a situation. So, we have chosen to label these studies as exploratory, descriptive, qualitative research. ठीक है, अब यहाँ पे हम situations को या topic को explore कर सकते हैं और situation को हम describe कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने name कुछ exploratory, descriptive, qualitative research दे दिया। ठीक है, इस तरह की स्टडीज मोस्टली हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना हो या इंटरवेंशन अप्लाई करनी हो पेशेंट के किसी खास स्पेसिफिक ग्रुप पे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक्सप्लोरेटिव डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च।
नेम से ही आप देखो इसको इससे पता चलेगा कि हिस्ट्री पे हमने स्टडी करनी है। हिस्ट्री के हमारे पास जो पास इवेंट्स होते हैं जिनके अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च एग्जामिन्स इवेंट्स ऑफ द पास्ट। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज इज इंक्रीज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इन एडिशन हिस्टोरिकल नॉलेज प्रोवाइड नर्सेज विद एन इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रोफेशन। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस का क्या ये कहना है कि अगर हमें प्रीवियस अपनी हिस्ट्री हिस्टोरिकल नॉलेज से क्या होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है, हम बेटर अपने प्रोफेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए हम हिस्ट्री को स्टडीज करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली 5 टाइप्स है क्वालिटेटिव रिसर्च की। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, जिसमें नंबर 1 पे है केस स्टडीज। केस स्टडीज आर इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल एंटिटी और स्मॉल ग्रुप ऑफ एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिलीज, कम्युनिटीज। सर स्टडीज यूजली इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, तो केस स्टडी में क्या हम एक इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं या एक से ज्यादा इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स करते हैं केस स्टडीज। ठीक है, एक पेशेंट को लेकर स्पेसिफिकली डिटेल इंफॉर्मेशन वो स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास केस स्टडीज आ जाते हैं। नैरेटिव एनालिसिस क्या है, फोकसेस ऑन स्टोरी इन स्टडीज इन विच द पर्पस इज टू डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल्स मेक सेंस ऑफ इवेंट्स इन देयर लाइफ। ठीक है, नैरेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टोरीज पे फोकस करते हैं। स्टोरीज क्या होती हैं कि जो इवेंट्स किसी इंसान के साथ हो चुका होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है वो एक स्टोरी की फॉर्म में होती है। ठीक है, वो स्टडीज में अवेलेबल होती हैं, तो उनकी स्टडी को एनालिसिस करने को हम नैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव आउटकम एनालिसिस QOA इज अ सिस्टमैटिक मींस ऑफ कंफर्मिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेटजीज सजेस्टेड बाय क्वालिटेटिव स्टडी एंड टू इवैल्यूएट क्लिनिकल आउटकम। ठीक है, इसमें इस वाले स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो क्लिनिकल स्ट्रेटजीज अवेलेबल होती हैं, कोई भी उन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी की होती है उसकी बेस पर जो स्ट्रेटजीज हमें बताई होती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उनके क्लिनिकल आउटकम्स को इवेल्युएट करते हैं, तो हमारे पास क्वालिटेटिव आउटकम एनालिसिस आ गया। लास्ट में हमारे पास है क्वालिटेटिव मेटा सिंथेसिस। जब ये जान हो जाए ना तो फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है,
ओके, लास्ट में मेरे पास टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेटा सिंथेसिस आर द इंटरप्रिटिव ट्रांसलेशंस प्रोड्यूस फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वालिटेटिव स्टडीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज, हम इनमें से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेटा सिंथेसिस हमें एक ही स्टडी के अंदर डिफरेंट स्टडीज की इंफॉर्मेशन को कोड कर लेते हैं, जो हमारे पास क्वालिटेटिव मेटा सिंथेसिस आ जाते हैं। ठीक है, आज हमने टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी डिस्कस किया, जिसमें हमने मेन फाइव टाइप्स देखी थी। नंबर वन पे फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी थी, जिसमें हम फिनोमिना एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसको जनरलाइज हम कर सकते हैं इसी सिचुएशन के लोगों पे, जिस सिचुएशन पे हमने स्टडी किया, इसको हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने देखा ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें हम थ्योरीज को डिवेलप करते हैं, जिसमें हम कोड करते हैं, मेमोरी करते हैं और एंड पे हम उसको राइट अप कर लेते हैं थ्योरीज को। थर्ड हमने इसमें देखी इथनोग्राफिकल रिसर्च, जिसमें हम कल्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, विद इन कल्चर स्टडी करते हैं, एथिक अप्रोच यूज करते हैं, आउट ऑफ स्टडी, आउट ऑफ कल्चर हम स्टडी करते हैं, तो वो हम एथिक अप्रोच यूज करते हैं। लार्ज कल्चर को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम उसको मैक्रो इथनोग्राफी कहते हैं। स्मॉल कल्चर्स को या नैरो स्पेसिफिकली कल्चर्स को डिस्कस करते हैं, तो हम उसे माइक्रो थेमोग्राफी करते हैं। ये फिर हमने हिस्टोरिकल रिसर्च देखी, जिसमें हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हमने देखी क्वालिटेटिव रिसर्च की, जिसमें केस स्टडीज है, मेटा सिंथेसिस है। ठीक है, आउटकम एनालिसिस है। क्लियर हो गया आज का लेक्चर सबको? अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो सर।
ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़।